हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज हम देखेंगे टॉप 25 इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स। जैसा आप सभी जानते हैं कि वर्ब फॉर्म्स याद करना, और वो भी इरेगुलर वाला, काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो आज हम आपके साथ सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले 25 इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स करेंगे। तो सबसे पहला वर्ब है हमारा अराइज। अराइज का मतलब होता है उठना। इसका V2 फॉर्म कहते हैं अरोज, और V3 फॉर्म होता है अरिजन। स्पेलिंग जरूर चेक करते चलेंगे। सेकेंड है हमारा अवेक। अवेक मीन्स होता है जागना, और इसका V2 फॉर्म होता है अवोक, और V3 होता है अवेकन। बी वर्ब फॉर्म आप इंग्लिश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बी का मतलब होता है होना या बनना। इसका V2 फॉर्म होता है वॉज और वर, दोनों V2 फॉर्म होता है, और बिन V3 फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारा बेयर। बेयर मीन्स होता है सहना। इसका V2 फॉर्म होता है बोर, और V3 फॉर्म होता है बॉर्न। बॉर्न की स्पेलिंग होती है BORNE। नेक्स्ट अगेन हमारा बेयर है, जिसका मतलब होता है पैदा करना, और इसका V2 फॉर्म होता है बोर, एकदम सेम सहना वाला जैसा। लेकिन जब V3 की बात करते हैं तो वो होता है BORN। ध्यान रखेंगे, 4 नंबर और 5 नंबर वर्ब को अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट हमारा बिकम। बिकम मीन्स होता है बनना या होना। बिकम मीन, और V2 होता है बिकेम, और V3 होता है बिकम। नेक्स्ट है हमारा बिगिन। बिगिन मीन्स होता है शुरू करना। इसका V2 फॉर्म होता है बिगैन, और V3 फॉर्म होता है बिगन। नंबर 8 है हमारा बाइट। बाइट मीन्स होता है दांत से काटना, बाइट, और V2 फॉर्म होता है बिट, BIT, और V3 फॉर्म होता है बिटेन, BITEN। ब्लो। ब्लो मीन्स होता है फूंक मारना। इसका V2 फॉर्म होता है ब्लू, एंड V3 फॉर्म होता है ब्लोन। नंबर 10 है हमारा बाइंड। बाइंड मीन्स होता है बांधना, एंड V2 फॉर्म इसका होता है बॉन्ड, और V3 फॉर्म होता है बॉन्ड। नेक्स्ट हमारा बिड। बिड मीन्स होता है बोली लगाना। इसका V2 फॉर्म होता है बेड, एंड V3 फॉर्म होता है बिडेन। नंबर 12 है ब्रेक। ब्रेक मीन्स होता है टूटना या तोड़ना। इसका V2 फॉर्म होगा ब्रोक, एंड V3 फॉर्म होगा ब्रोकन। नंबर 13 है चूज। चूज मतलब होता है चुनना या सेलेक्ट करना। इसका V2 फॉर्म होता है चोज, और V3 फॉर्म होता है चोजन। नंबर 14 हमारा क्लिंग। क्लिंग का मतलब होता है चिपटना, चिपटना या लिपटना आप कह सकते हैं। इसका V2 फॉर्म और V3 फॉर्म होता है क्लंग, क्लंग। 15 नंबर है कम, और इसका V2 फॉर्म होता है केम, और V3 फॉर्म होता है कम। 16 नंबर हमारा डिग। डिग मीन्स होता है खोदना। V2 फॉर्म होता है डग, एंड V3 फॉर्म होता है डग। नेक्स्ट हमारा डू। डू मीन्स होता है करना। इसका V2 फॉर्म होगा डिड, एंड V3 फॉर्म होगा डन। नेक्स्ट हमारा है ड्रॉ। ड्रॉ मीन्स होता है चित्र बनाना या ड्राइंग करना आप कह सकते हैं। V2 फॉर्म होता है ड्रीव, एंड V3 फॉर्म होता है ड्रॉन। नंबर 19 है हमारा ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स होता है पीना। इसका V2 फॉर्म होता है ड्रैंक, और V3 फॉर्म होता है ड्रंक। नंबर 20 है हमारा ड्राइव। ड्राइव मीन्स होता है चलाना। इसका V2 फॉर्म होता है ड्रोव, एंड V3 फॉर्म होता है ड्रिवन। 21 है ईट। ईट मीन्स होता है खाना। इसका V2 फॉर्म होता है एट, एंड V3 फॉर्म होता है ईटन। नंबर 22 है फॉल। फॉल मीन्स होता है गिरना। इसका V2 फॉर्म होता है फेल, एंड V3 फॉर्म होता है फॉलन। नंबर 23 है फाइंड। फाइंड मीन्स होता है पाना, और इसका V2 फॉर्म होता है फाउंड, फाउंड। फ्लाई मीन्स होता है उड़ना या उड़ाना। इसका V2 फॉर्म होता है फ्लू, एंड V3 फॉर्म होता है फ्लोन। एंड नंबर लास्ट हमारा है फॉरविड, जिसका मतलब होता है रोकना। इसका होता है फॉरविड एंड फॉरविडन। तो ये थे टॉप 25 इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स, जो आपको इंग्लिश बोलना और लिखने दोनों में आपकी हेल्प करेगा। धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।